दोस्तों आप राजस्थान के हो, राजस्थान में नौकरी करना चाहते हो और आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे विद्यालय सहायक भर्ती का, बिना परीक्षा के दोस्तों यहाँ पर सीधी भर्ती है, तो आपको इसका फॉर्म जरूर डालना है। और सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर क्या न्यूज है, इसके अलावा दोस्तों इसको लेकर जो भी आपके डाउट आ रहे थे कि इसमें योग्यता क्या रखी गई है, कितने पद है, सिलेक्शन कैसे होगा, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सभी डाउट आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आपको भी दोस्तों इस भर्ती में थोड़ी बहुत भी रुचि है, आप यदि राजस्थान के हो और आपको लगता है कि मुझे एक जॉब की जरूरत है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब की, तो इस भर्ती में आपको फॉर्म जरूर डालना है और वीडियो को पूरी अंत तक है वो जरूर देखना है। दोस्तों जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं वह है राजस्थान विद्यालय सहायक भर्ती 2024। इसमें दोस्तों एग्जाम नहीं होगी, वापस बता देता हूं, सीधी भर्ती है दोस्तों। 12वीं पास यदि आप हो तो फॉर्म डाल सकते हो, बिना परीक्षा के सिलेक्शन होने वाला है। चयन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में मैं बात आगे करने वाला हूं। तो दोस्तों जो आपको यहां पर ड्यूटी मिलेगी वो मिलेगी स्कूलों के अंदर, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें आपको ड्यूटी है वो मिलने वाली है। दोस्तों पद का जो नाम है वो है विद्यालय सहायक, या आपने पहले भी देखा होगा दोस्तों विद्यालय सहायक पद है। एज लिमिट की दोस्तों हम बात कर लेंगे, यहाँ पर उम्र सीमा क्या रखी गई है, तो उम्र सीमा रखी गई है 18 से 40 साल, न्यूनतम 18 अधिकतम 40 साल तक के है वो फॉर्म डाल सकते हैं। योग्यता है दोस्तों 12वीं पास, यदि आप 12वीं पास हो तो आप इसके अंदर फॉर्म वो डाल सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात कर ले इसके अंदर आपको वेतन कितना मिलेगा, स्टार्टिंग में जो आपको वेतन मिलेगा वो मिलेगा 8,500 रुपए, 8,585 रुपए आपको मिलेंगे। बहुत यूट्यूबर वाले आपको बता रहे 18,000 20,000, दोस्तों नहीं, स्टार्टिंग में जो आपको वेतन मिलेगा वो 8,500 रुपए मिलेगा। और जैसे जैसे दोस्तों आप काम करते रहते हो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप नौकरी करते रहते हो, वैसे वैसे यहाँ पर आपका वेतन है, जो सैलरी है वो आपकी लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 8,500 रुपए मिलने वाला है। बहुत आपसे बोलेंगे 18,000 20,000 मिलेंगे, तो बिल्कुल झूठ है दोस्तों सरासर। आगे मैं आपको बता दोस्तों चयन कैसे होगा, यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो मैं आपको बता दोस्तों बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, यहाँ पर कोई आपकी एग्जाम नहीं लगेगी, सीधा यहाँ पर सिलेक्शन होगा यदि आप 12वीं पास हो। तो चयन प्रक्रिया दोस्तों मैं आपको बता दूं, 12वीं में जो आपके अंक है, जैसे आपके 12वीं में दोस्तों 70% बन रहे हैं तो उनके 70% लिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका साक्षात्कार होगा, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉर्मल होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जिनको भी अनुभव है, जिसने पहले दोस्तों कहीं पर भी सहायक का काम किया है, तो उनको यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है, तो जिनको भी अनुभव है उनको भी यहाँ पर फॉर्म डालना है। और लास्ट में दोस्तों इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी इस मेरिट लिस्ट के अंदर आएगा उनको वह नौकरी दे दी जाएगी, एग्जाम आपका होगा नहीं। यदि 12वीं में आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज है तो आप यहाँ पर ऐसे ही सीधा सिलेक्शन है वो लेके जाने वाले हो। आगे दोस्तों सबसे बड़ा डाउट आएगा, वो डाउट ये आएगा कि इसमें काम कहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों काम कहाँ पर मिलेगा और क्या काम करना पड़ेगा, वर्कलोड कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आपको जो ड्यूटी मिलेगी वो स्कूलों के अंदर मिलेगी, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, तो वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स के कार्य है वो काम आपको दिए जा सकते हैं स्कूलों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मिड डे मील से संबंधित जो भी, तो उसकी देखभाल करना है और ये कार्य भी आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा नामांकन, दोस्तों जब दोस्तों स्कूल के अंदर कम बच्चे एडमिशन लेते हैं तो गांवों के अंदर जाकर बोलना कि आप उस स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराओ, तो ये काम आपको मिल सकता है। अगला काम है चुनावी ड्यूटी, आपको चुनावों के अंदर दोस्तों जो पर्ची मिलती है ना, आपको सबको पता होगा जब चुनावों में हम वोट देने जाते हैं तो आपके पास जो पर्ची होती है उनके अंदर भी ड्यूटी लगा दी जाती है, गांवों के अंदर पर्ची देने के लिए कि आप घर घर जाके इन पर्चियों को बांट के आओ। तो नॉर्मल सा काम है दोस्तों, 8,500 रुपए तन का है, तो आप भी इसके इच्छुक हो, आप चाहते हो कि मैं भी यहाँ पर फॉर्म डालू और 12वीं पास हो, तो ये फॉर्म आपको जरूर भरना है। लेकिन सबसे बड़ा डाउट आएगा, वो डाउट यह आएगा इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव आपके हो चुके हैं जिनके नतीजे 4 अप्रैल 2024 को जारी कर दिए जाएंगे। तो जैसे दोस्तों इसके नतीजे आते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद में आपका इसका जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म की डेट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, नोटिफिकेशन की डेट आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो जुलाई के अंत तक दोस्तों इस भर्ती के बारे में आपको सूचना मिल जाएगी, जुलाई के अंत तक इस भर्ती के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यदि आप 12वीं पास हो, इच्छुक हो, मैं भी इस भर्ती के अंदर लग सकता हूं, तो आप इसके अंदर फॉर्म जरूर डालना। और जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले दोस्तों इस चैनल पर वीडियो मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।